हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हजारों बीमारियाँ सिर्फ ये एक जगह पर रगड़ने से या दबाने से ठीक हो सकती हैं। ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दवाई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों, अगर आप खाने को पचाने के लिए, गैस की समस्या के लिए या हाई बीपी के लिए, टेंशन ज़्यादा के लिए या फिर यूरिन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह से दवाइयाँ खा रहे हैं, तो सिर्फ ये 5 से 6 मिनट की वीडियो रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपने 5 से 6 मिनट मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको बताने जा रही दोस्तों, अगर आपको सांस फूलती है, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आपकी सांस फूलती है या आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, आप थोड़ा सा चलते हैं थकावट और कमजोरी महसूस करते हैं, तो आपने दोस्तों क्या करना है, ये हमारा थंब होता है यानी कि अंगूठा, अंगूठे को सबसे पहले ऐसे कर लीजिए अपने दूसरे हैंड के फिंगर को और अंगूठे को, उसके बाद इस तरह से रगड़िए, इस तरह से ट्विस्ट करना है, रगड़ना है आपने। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से दबा दीजिए। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन अगर माइक्रो अगर तरीके से देखा जाए, छोटे तरीके से देखा जाए, तो हमारे हर एक फिंगर, हर एक अंगूठे के अंदर हमारी पूरी की पूरी बॉडी समाहित है। तो जब आप ऐसे करते हैं, तो अगर किसी भी इंसान की सांस फूलती है, थकान कमजोरी रहती है, बहुत जल्दी थक जाते हो, तो आपने इस तरीके से ट्विस्ट करना है, उसके बाद इसे दबाना है, इस तरीके से आपने करना है। दोस्तों बहुत आसान है ना? दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तर्जनी उंगली के लिए। अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पचता, आपको बहुत ज़्यादा अफारा रहता है, खाना ऊपर की तरफ आता है, गैस बनती है जब आप खाना खाते हैं, उसके बाद खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो जब आपको ऐसी कंडीशन आए यानी खाना नहीं पच रहा, अफारा आ रहा है, तो आपने ये तर्जनी उंगली होती है ना, तो इस फिंगर को ऐसे ट्विस्ट करना है, उसी टाइम कीजिए, आपका खाना हजम हो जाएगा, तुरंत हजम हो जाएगा, उसके बाद दबाना है। अगर आप इस प्रक्रिया को रोजाना करते हैं यानी आपको कोई तकलीफ नहीं है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, जैसे आज नहीं हुआ तो आज आपने ऐसे कर लिया और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको कभी नहीं हो, तो आप रोजाना ऐसे ही करते रहिए। बहुत आसान है ना करना, 1 से 2 मिनट करना होता है टोटल, यानी कि जैसे कि आपने 30 सेकेंड के लिए इसको ऐसे रगड़ लिया, ट्विस्ट कर लिया, फिर आपने 30 सेकंड के लिए इसको इस तरीके से दबा लिया। दोस्तों इस तरीके से करना है। अगर किसी को खाना अच्छे से नहीं पच रहा तो तुरंत कर लीजिए, और रोजाना करते रहेंगे तो आपको ये समस्या आएगी ही नहीं। दोस्तों नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ, वैसे छोटी फिंगर जो होती है ना, हमारी लिटिल फिंगर, इसको रगड़ना और दबाना बहुत बेनिफिशियल है, आपको मैं एंड में बताऊंगी जैसे जैसे इसकी टर्न आएगी। अब बात करते हैं बड़ी फिंगर के बारे में यानी कि मिडिल फिंगर के बारे में। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता यानी कि खून का जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं होता, तो आपने ये जो मिडल फिंगर है इसको ऐसे ट्विस्ट करना है, इस तरीके से गोला बना लीजिए और ट्विस्ट करिए। बहुत आसान सी प्रक्रिया है, इस तरीके से ट्विस्ट करना है 30 सेकंड के लिए, उसके बाद ऐसे दबाना है। जिनको भी हाई बीपी रहता है उन लोगों ने, और जिनको ब्लड में सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, कभी मांसपेशियों में कहीं दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो ही नहीं रहा, तो उन लोगों ने इस तरीके से करना है। ट्विस्ट कीजिए 30 सेकंड के लिए, दबा लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं रिंग फिंगर के बारे में। रिंग फिंगर का आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, या फिर महिलाओं में जिनको थायराइड की समस्या है या पीसीओडी की समस्या है, यानी उदासी, ये कह सकते हैं मायूसियत ज़्यादा रहती है, उनको लगता है कि किसी ने कोई बात कह दी तो हमें सबसे ज़्यादा दिल पे लग जाती है, किसी की बात बुरी जल्दी लगती है, मतलब इमोशनल जो इंसान होते हैं उनको अपनी जो रिंग फिंगर होती है, ये जो फिंगर है इसको पहले ट्विस्ट करना है, इस तरीके से ट्विस्ट कर लीजिए, उसके बाद 30 सेकंड ट्विस्ट करने के बाद 30 सेकंड के लिए इस तरीके से दबा लीजिए, यानी कि आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट और लिटिल फिंगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिंगर है हमारी बॉडी में, कि जैसे सबसे छोटी सी है ना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी इंसान को ऐसे लगता है, ज़्यादातर ये बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम रहती है कि बार बार यूरिन आ रहा है, रात को ऐसे लगता है यूरिन आ रहा है, जाते हैं तो नहीं आता, 10 मिनट 15 मिनट मतलब लगाते हैं लेकिन यूरिन नहीं आता, या बहुत कम आता है, बार बार ऐसे फीलिंग्स ही आती रहती है, लेकिन कुछ लोगों को यूरिन लीकेज की समस्या भी रहती है,
थोड़ा सा खांसते हैं, छींकते हैं, यूरिन आ जाता है, या फिर कुछ बच्चों में रात को बिस्तर गीला करने की समस्या होती है, यूरिन बीच में कर देते हैं, तो उनको भी ये जो सबसे छोटी यानी लिटिल फिंगर है इसको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। 30 सेकेंड ट्विस्ट कीजिए और दबाइए, ऐसा आप कीजिए। दोस्तों 1 मिनट सुबह और 1 मिनट अगर आप शाम को कर लेते हैं ना खाना खाने से पहले, ये एक नहीं समझिए कि ये सिर्फ एक फिंगर, हमारे जो इस हाथ में 5 फिंगर है, इस हाथ में 5 फिंगर है, दोनों के दोनों मतलब कि 10 की 10 फिंगर में आपने सेम करना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ और बता देती हूँ, जिनको साइनस की समस्या रहती है, नज़ला जुकाम जल्दी हो जाता है, या फिर गर्मियों में भी नज़ला रहता ही है, एक प्लाक सा नाक में जमा रहता है, तो उन्होंने सभी फिंगर्स की जो टिप्स होती हैं वहां प्रेस करना है, और स्पेशली जो रिंग फिंगर की टिप्स है वहां तो जरूर प्रेस करना है। जिनको भी साइनस की समस्या है यहां जरूर प्रेस करिएगा, जो हमारे अंगूठे का ये एरिया होता है ना, इससे प्रेस करिएगा, बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे किसी टूल से प्रेस कर रहे हैं। इस तरीके से प्रेस करिए, सेम आपने दूसरे हाथ में भी करना है इसको, मतलब ट्विस्ट वाला सिस्टम भी दोनों हाथों में सेम करना है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी, क्योंकि फिंगर्स के अंदर हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनके द्वारा हम निरोग हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, छोटा सा मेथड है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।